खुर्जा में हमारे एक भगत थे, उनका एक लड़का बीए में पढ़ता था और एक लड़की कविता करती थी, उसकी कविता पर रिझ गया। वो भी कविता करता था, कवि था, पर उसे नहीं पता नहीं था कि जिसकी कविता में मैं रिझ रहा हूं वह पंगु प्राय है, वो लकवा से मारी हुई है, विकृत मुखावली, अंग उसके टेढ़े, लंगड़ी सी, कविता पर रिझ गया। और जब साक्षात्कार हुआ तब उसने उसके रूप की ओर कुछ नहीं देखा, बस कविता ही उसके ध्यान में रही। घर के सभी लोग थक गए समझाते समझाते, पर उसने कहा विवाह तो होगा तो इसी से होगा, और उसी से विवाह हुआ उसका। तो ये गुणजन्य प्रेम, एक गुण विशेष को लेकर के अन्य गुणों का, उसने दुर्गुणों का, अवगुणों का तिरस्कार करके उस गुण को ग्रहण किया, प्रेम हो गया। विदर्भ नंदनी का प्रेम यश को लेकर के हुआ है, गुणजन्य है, चूंकि भगवान के साथ हुआ है इसलिए अब उसके विनष्ट होने का प्रश्न नहीं है। पर लोक में जो रूप को लेकर के, यौवन को लेकर के, धन आदि को लेकर के, आयु को लेकर के, आज जिस रूप राशि पर मुग्ध होकर के प्रेमी प्राण दे रहा है किसी प्रेमिका के लिए, भगवान न करे उसको यदि चेचक हो जाए और आंख फूट जाए एक, तो वही घृणा की पात्र हो जाएगी। प्रेम तो बिन गुण जो बन रूप धन, बिन स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना तय रहित प्रेम सकल रसखान। गुण रहितम, कामना रहितम, विषय पिपाशा को शांत करने के लिए जो प्रेम होता है वो प्रेम नहीं, मोह है। और प्रेम तो सदा बढ़ता ही बढ़ता है, पर सांसारिक पंचभूत में देहधारी जिसे प्रेम कहते हैं उसमें शैथिल्य आता है। हम आगे इसमें नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमको संतुलन नहीं करना है, रस निधि की हम बात कहने जा रहे हैं। तो जगत में जो प्रेम के नाम से व्यवहार हो रहा है वो सामान्य मोह से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। महापुरुषों ने कहा है सच पूछा जाए तो लोक में तो प्रेम है ही नहीं, प्रेम के नाम से मोह खरीदा जा रहा है, मोह बेचा जा रहा है, ये मिथ्या व्यवहार है। प्रेम तो अनादि है, अनंत है, प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होए दो में लसे ज्यो सूरज और धूप। प्रेम तो श्री वृंदावन धाम में है, प्रेम तो भगवत धाम में है, प्रेम तो भगवान के रूप में है, भगवान है। इसलिए जागतिक मोह से विरत होकर के जो इस दिशा में आते हैं वही प्रेम को अनुभव करते हैं। आपने घनानंद नाम के बड़े सुकवि हुए हैं, परवर्ती काल मुगल काल के अंतिम बादशाहों में किसके समय हुए ठीक से नहीं कह सकते, शायद मोहम्मद शाह जफर के समय में हुए हों या और किसी के, बहादुर शाह जी हुए। वो बड़े अच्छे गायक थे, कवि थे और रसिक हृदय भी थे। एक रोज दरबार में बहुत सारे लोग गानवान कर रहे थे, संयोग से किसी ने कह दिया कि हमारे जो ये घनानंद जी, शायद वो उनके खजाने जाने में कुछ काम करते थे या अमीन थे क्या थे, अच्छा गाते हैं, और बहादुर शाह ने आज्ञा भी कर दी गाइए घनानंद साहब, पर घनानंद ने ध्यान ही नहीं दिया किसने कहा नहीं कहा, फिर दोबारा कहना पड़ा बहादुर शाह जी को। तो तीसरे ने कहा कि अरे जब जहां पना फरमाते हैं तो अब गाते क्यों नहीं, तब भी ध्यान नहीं दिया। संकट पड़ गया उनकी जो प्रेमिका थी सुजान नाम की,
वो भी उस दरबार में थी, वो तो वहां की नर्तकी थी, गायिका थी। ये उदूली कर रहे हैं हुक्म की और बादशाह के हुक्म की, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी गर्दन कलम करवा दी जाए। तो मैं अपने प्रेमास्पद से गई, उसने धक्का देकर कहा, रहे जहां पना फरमा रहे हैं गाते क्यों नहीं आप? तब उनको होश आया कि बादशाह सलामत कह रहे हैं और मुझे गाना चाहिए। अलमस्ती के साथ बादशाह की ओर किया पीठ और सुजान की ओर किया मुंह और छेड़ के तान पूरा अपना ऐसा गान गाया कि समा बन गया, झूम गई सारी जनता, बादशाह भी खुश हो गए। जब गान समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा, घनानंद, बादशाह बोले, तुमने हमारे हुक्म की उदूली करके बहुत बड़ा हमारा अपमान किया है, हमारी तौहीन की है, इसके बदले में तुम्हारी गर्दन कलम करवा दी जाए, परंतु तुमने अपने गाने से हमको बहुत खुश कर लिया, इसलिए हम तुम्हारी गर्दन तो नहीं कटवाते हैं, पर तुमको हम हुक्म देते हैं कि तुम इसी वक्त यहां से उठ के चले जाओ, तुमको देश निकाले की सजा दी गई है। कोई परवाह नहीं, ये तो पूरे मस्त लोग होते हैं। उठ खड़े हुए, सुजान से बोले, चलो। पर सुजान तो पैसे की गुलाम थी, पढ़ने वधू थी, वो वस्तुतः घनानंद से प्रेम थोड़ा करती थी। घनानंद की जो एक शान थी, शौकत थी, रूप था, धन था, यौवन था, उससे प्रेम करती थी। घबरा गई, चलती क्यों नहीं हो? घनानंद समझते थे ये मेरी एक आत्म प्राण है, जब मैं चलूंगा तो वो भी चल पड़ेगी। पर ऐसे लोग बिरले होते हैं। वही खुल गई पुल जागतिक प्रेम की। बोले कि बादशाह सलामत ने आपको देश निकाला दिया, मुझको थोड़े दिया है। और वही भाई जी ने एक गीत में लिखा, जिनके लिए खो दिया जीवन, पता लगा उन लोगों का, हुआ निराश उदास गया विश्वास जगत के भोगों का, जिनके लिए खो दिया जीवन, पता लगा उन लोगों का, सब ओर से मन टूट गया। और सब ओर से उनका मन तो पहले ही टूटा था, केवल एक सुजान में लटका हुआ अटका था। उठ के चल दिए, सीधे श्री वृंदावन आ गए, यमुना के पावन पुलिन पे पतित पर रह रहे। पीछे बहुत लंबा किस्सा आता उनका, मुझे तो इतना ही बताना था। नादिरशाही उपद्रव के समय में उनको घेर लिया नादिरशाह के सिपाहियों ने, क्योंकि पहले ये बादशाही दरबार में रहा है, बहुत सा इसके पास धन होगा, माल होगा, सोना होगा, और जैसा कि आज भी लोग करते हैं, बैंकों में तमाम एफडीज खुली हुई है, मौज के साथ इंटरेस्ट मिलता है, वृंदावन वास हो रहा है। पर वो तो मस्त फक्कड़ थे, कुछ साथ नहीं लाए थे। नादिरशाही सिपाहियों ने कहा, जर जर जर, जर माने सोना धन, फारसी बोले वो। इन्होंने उठा के तीन मुट्ठी रज फेंक दिया, रज रज रज, जर का कर दिया इन्होंने रज। और रज ही तो सर्वस्व है, वृंदावन के प्रेमी का रज से बड़ा और क्या धर्म है? कौन सा बड़ा धन है ये? इससे बड़ा कोई धन नहीं। पर वे नालायक विशी सिपाही, वे क्या जानते कि रज क्या है और जर क्या है? ये वही जर है ना, भावोत्सवीन भजताम रसकाम धेनु। क्रोध में आकर के उन्होंने तलवार मार दी, पर जैसे पत्थर पर लग करके तलवार उचट जाए, घनानंद के शरीर पर चोट नहीं लगी, कोई घाव नहीं आया। घबरा गए वो सिपाही कि ये तो बड़ा विचित्र फकीर है, अब ये हमको जला करके खाक कर देगा। सो घबरा करके भागने लगे। घनानंद ने एक आवाज देकर रोका, रुक रुक जाओ। रुक गए। घनानंद फारसी के, ब्रजभाषा के और संस्कृत के बड़े विद्वान थे। जब रुके वो लोग, बोलते इस तरह नहीं, जैसे मैं कहता हूं वैसे शरीर को तुम्हें समाप्त करना है, क्योंकि ब्रीही थे,
सुजान के वियोग का तो बहाना हुआ, सुजान का परित्याग करने के पश्चात सुजान रूप श्री कृष्ण के प्रेमी हो गए थे वे। और जितने भी काव्य में उन्होंने संबोधन किए हैं सब सुजान को ही किए हैं, पर सुजान केवल उनके मुरली मनोहर श्री कृष्ण से अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। बड़ी रसमयी बड़ी गंभीर कविता है घनानंद जी। वो कहते हैं वियोग के वर्णन सुनो उनके, बादल जा रहे हैं जैसे मेघदूत है ना कालिदास का, ऐसे ही वो बादलों से निवेदन करते हैं। पर काज ही देह को धारे फिरो, परजन्य जथारथ है दरसो, निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरी पीर ही परसो, कब हूं बबिसासी सुजान के आंगन, मो असुआन कुल बरसो। कहते हे घन, हे बादलों, तुम्हारा जीवन परोपकार है, एतावज्जन्म साफल्यम, तुम परोपकार के लिए ही देह धारण किए हुए हो, तुम्हारा नाम परजन्य है, वस्तुतः तुम परजन्य ही हो, पराये का हित करने में ही तुमने अपना जीवन धारण किया है। तुम खारे समुद्र के जल को उठा करके अमृत तुल्य बना देते हो, सुधा के समान करो, तुम्हारी सज्जनता की कोई सीमा है? तुम जीवन दायक हो। संस्कृत में जल का एक नाम जीवन है, जल जीवनम, जलम जीवनम। घन आनंद कहते हैं हे आनंद रूप घन, तुम जीवन दायक हो। जब तुम में इतने गुण हैं तो कुछ मेरी भी पीड़ा को अनुभव करने की कृपा करो। मेरे हृदय में भी एक पीड़ा है, मैं ये चाहता हूं कि जैसे बरसना तुम्हारा स्वभाव है, कभी मेरे आंसुओं को ले जाकर के सुजान के आंगन में बरसा दो। किसी मर्मोक्ति है, कब हूं बस विशासी सुजान के आंगन, मो असुआन को लय बरसो। ऐसा बहुत सा साहित्य है, मैंने तो केवल एक वानगी सुनाई। कवियों ने लिखा है समझे कविता घन आनंद की, ही आखिल प्रेम की पीर तकी। घनानंद की कविताओं को वो समझेगा जिसके हृदय में जिसकी आंखों में प्रेम की पीड़ा समाई हुई हो। सिपाहियों से बोले मित्रों मेरे एक एक अंग को काटो, मैं जीना नहीं चाहता। कितना विरह समाया था घनानंद के जीवन में। एक जगह कहते हैं वो अंतर हो किधो अंतर हो, दृग फार फिरों के अभागिन भीरों, आग जरों किधो पानी परों, अब कैसी करों धरों का विधि धीरों। जो घन आनंद ऐसी रुचि, तो कहा बस है इन प्राणन पीरों, पाऊं तुम्हें मैं कहां हो हरी, धरनी में धसों के आकाश ही चीरों। पता नहीं चलता कि तुम मेरे भीतर हो कि बाहर हो, कितनी दूरी पर हो। मैं भिखारियों में पहुंच जाऊं, आंख फोड़ करके मैं भिक्षुक बन करके तुम्हारी प्राप्ति करने के लिए भीख मांगता फिरूं, मैं आग में जल जाऊं कि पानी में कूद जाऊं, कि आकाश को चीर डालूं कि धरनी में धस जाऊं, हे हरि मैं तुम्हें कहां प्राप्त करूं। पर बिरही की बात तो बिरही समझे, हम लोग तो खाते हैं पीते हैं सोते हैं, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे।
जो जागता है और रोता है वही प्रेमी है। प्रियतम के वह जिसको चैन नहीं, घनानंद ने अपना अंग कटवाया, हाथ काटा, दूसरे हाथ की उंगली से अपने तकिए पर एक कवित्व लिखा। आशु कवि थे, अपनी अंतिम मार्मिक वेदना प्रकट। बहुत दिनान की अवधि आस पास परे भरे अरवरन खरे हैं उठ जान को, कही कही आवन छबीले मन भावन की गई गई राकत ही दे दे सन्मान को, झूठी बतियान की पत्यान ते उदास है के अवना घिरत घन आनंद निदान को, करके पयान प्राण लागी हैं अधरयान चाहत चलन अब संदेशो ले सुजान को। वो कहते हैं प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा में दिन पर दिन बीतते चले गए, मेरे ये प्राण निकलने को प्रतिक्षण तत्पर थे, पर मैं झूठे आश्वासन दे दे करके रोकता रहा इन प्राणों को, जैसे कोई पथिक चलने को उतावला हो और जिसके यहां वह पथिक ठहरा हुआ है वे लोग उसे आदर दे के प्रेम दे करके झूठ बोल बोल करके रोके रखते हैं, कब तक रोकेंगे? आखिर एक न एक दिन उस पथिक के मन में निराशा होगी ही होगी, आज मेरे प्राण बटो ही इस तन में इस डेरे में रुके हुए घबरा गए हैं, अब पांचों प्राण अपने पांचों स्थलों से चल करके जैसे कोई अपना बिस्तर बैग लेकर के पौड़ी पे खड़ा हो जाए, हम तो जाएंगे ही आज, तो लागे हैं अधर आन, मेरे ओठ दरवाजे पर मानो इस घर रूप शरीर के दरवाजे पर आकर के पांचों प्राण एकत्र हो गए हैं, अब चलना चाहते हैं, किसने बुलाया है? उन्हें सुजान का संदेश आया है, ये सिपाही नहीं आए हैं, ये सुजान के संदेश वाहक आए हुए हैं, और इस प्रकार से अपना एक एक अंग कटवा करके घनानंद ने अपने शरीर को शांत कर दिया। तो वहीं आइए रस की बात, भिन्न भिन्न प्रकार से रस की अनुभूतियां हैं, वृंदावन की रस की अनुभूति विशुद्ध श्रृंगारोत्तर उज्ज्वल रस में है, ये और उसकी निधि है एकमात्र स्वामिनी श्री राधा, इसलिए कि उस निधि से ही सब रसपान कर रहे हैं, समस्त निकुंज का जो परिकर है वृंदावन धाम स्वामिनी के रस से रसान्वित है, सहचरी समुदाय स्वामिनी के श्री चरण से रस की प्राप्ति करता है, और प्रियतम याचना पूर्वक उसकी पूर्ति करते हैं, सबका दान देने वाली केवल विश्वानुनंदिनी श्री राधा है। प्रिया और प्रीतम के प्रेम देने और लेने वाले का वर्णन करते ध्रुवदास जी ने एक जगह कहा, लाल तृषा को सिंधु है और प्रेम उदद सुकुमारी, पियत पिवावत एक रस मानत नहीं कुहार। तृषा कहते हैं प्यास को, प्रीतम प्यास के समुद्र है, खाली है, भरना चाहते हैं, और स्वामिनी रूप उदधि प्रेम उदधि रस उदधि वो दान करती रहती है, एक रस निरंतर अनवरत तैल धारावत, जहां पलक का अंतराय भी सहन नहीं होता, दूल्हे हैं हमारे लीला के लिए यह भी मानो जहां भेद प्रतीत होने लगता है,
न पीने वाला हारता है न पिलाने वाला हारता है। तस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाया, वृषभानुजा कहने से जो वस्तु उज्जल थी वो प्रकट हो गई है ये बताना है, क्योंकि स्वामिनी श्री राधा को उनके नित्य कुंज देश में तो कोई देख ही नहीं पा रहा है। देखा तब जाता है, दर्शन का अधिकार तब बनता है जब वो वृषभानु नंदिनी के रूप में प्रकट होती है। ये प्रादुरस्त कृपया वृषभानु के स्यात किंकरी भवतुमेव ममाभिलाषा, जो कृपा पूर्वक वृषभानु भवन में प्रकट हुई है मैं उनकी किंकरी दासी हो जाऊं ऐसी मेरी अभिलाषा है, पर होना तो उनकी कृपा पर निर्भर है। तो वृषभानु नंदिनी जो नाम है वो उनके कृपा स्वरूप को लक्षित कराता है। यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगेहे तस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाया, कदा कहने से किसी भी काल में। ये दूसरी बात जो तंत्र शास्त्रों ने कह दिया कि 6 महीने गोपाल सहस्त्र राम का इतना इतना पाठ कर लो तो श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, बोले ये सीमा से बंधा हुआ मुल्क नहीं है, देश नहीं है, कभी हो जाए तो कृपा मानना, यहां तो वही मान करके चलो। किंतु असाप्यस्तु वृंदावन भूमि मधुरा कोटि जन्मांतरे भी, एक जन्म में नहीं कोटि जन्मों के उपरांत भी यदि पूर्ण हो जाए यह अभिलाषा तो बड़ी जल्दी हुई ऐसा मानो। तत्कील कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम, ऐसी जो वृषभानु नंदिनी है परम पुरुष शिखंड मौली जिनकी परिचर्या करते हैं और उनकी परिचर्या करते हैं सो करते हैं उनकी दासियों की काकुबाणी से निवेदन करते हैं, क्योंकि नंदनंदन जानते हैं कि इन दासियों का जहां अधिकार है वहां मेरा अधिकार नहीं है। इसलिए हे ललिता जी तिहारी पहिया लागू, विशाखा जी तिहारी पहिया लागू, प्रीतम कहते कोई स्वामिनी या देवरी मिलाए मुझे तुम सखी बना लो। सखियां कहती हैं कि सखी कोई लहंगा ओढ़ने से थोड़े सखी बन जाता है, सेवा में समर्पित चित्त होना चाहिए तब किंकरी पद की सिद्धि होती है। बोले तुम ऐसी कृपा करो कि मेरा चित्त तुम्हारी तरह स्वामी के चरणों में समर्पित हो जाए। सखियो तुम कितनी सौभाग्यशाली हो, उन श्री चरणों के संवाहन का तुमको अधिकार मिला है, तुम स्वामी के अंग अंग में विविध प्रकार के अंगराग का लेपन करती हो, तुम विचिन्वंती कीशान कुचन करजे कंचुक पटम कुछ आप्यामुंचंती कुछ कनक दिव्यत कलशिव सुगुल्फे निश्चंती कुचन मणिमंजीर उयुगलम, क्या मेरा भी ऐसा कभी सौभाग्य होगा कि स्वामी स्नान करके बैठी हैं जहां फुलवारी ना सुखवत अलक है, स्नान करने के बाद अपनी केश राशि को अब जल रहित बनाना चाहती हैं, करांगुलियों से जिनको सुलझाया जा रहा है, ये सौभाग्य आपको है। मुझे भी कभी ऐसा सौभाग्य मिलेगा? लाल जी जहां निवेदन करते हैं, बैनी गूत कहा को जाने मेरी सी तेरी सो बीच बीच फूल सेत पीत राते को कर सकी है रीसो, स्वामी की कृपा हुई आज्ञा होगी अच्छा आज कर लीजिए आप भी कर लीजिए। तो बैठे लाल समारन वारन कोमल कर ककी सो, ककी माने कंगा काश की हाथी दांत की बड़ी सुहावनी, अब तो वो सब चीजें कहां रहेगी।
बैठे लाल समारन वारन कोमल करक ही सुन। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी अंजन रेख बनाई दैनक ही सुन। कैसा कलाकार सेवक है, अंजन रेख बनाई आंख जैसा सुकुमार अंग, और उसके कोयों पर जिन्होंने अपनी नखावली से अंजन अंजित किया। अंजन की जितनी पैनी धार हो अंजन उतना ही चुटीला होता है। और थोप दिया दिव्या भर के आंख काली हो गई, जिस कपड़े में लगा वो भी काला हो गया। ये अंजन की कला नहीं है। तो स्वामिनी की जो दासियां हैं, दासी जहां लग कुंवर की बंदत तिनके पाए, प्रियतम उनकी वंदना करते हैं, उनकी चाटूनी करते हैं, चाटुकारी करते हैं। इसमें प्रियतम के हृदय की रसमयी स्थिति का परिचय हो रहा है। यहां पर भगवान की बात नहीं कही जा रही है, यहां पर रसनायक लीला लीला करने वाले रसिक शेखर की बात कही जा रही है। यदि उसकी भगवत्ता को दृष्टि में लेकर के आओगे तो तुमको विभ्रम हो जाएगा। हम छत्तीसगढ़ प्रांत में अपनी युवावस्था में भी जाया करते थे, अब तो नहीं जा रहे हैं। बड़ा भूस मुल्क, भूस माने बेवकूफ लोग वहां बहुत। प्रथम प्रथम बार 40-50 आदमियों का एक जत्था हमारे साथ आया और रास देखा, तो रास में जब प्रिया प्रीतम अब नृत्य के लिए प्रांगण में उतरेंगे तो प्रियतम प्रार्थना करते हैं, हैं? कि हे स्वामी जी कृपा करके अब रास में पधारो। तो वहां गीत गाया जाता है, एक तो गाते हैं प्रीतम, कृपा बनाऊं मनाऊं मैं पर पाऊं तू सेवा अधिकारी। हे किशोरी जी मैं कृपा की याचना करता हूं, मुझे अपने चरणों की सेवा दीजिए। और यूं कहते हुए हाथ जोड़ करके अपने मुकुट को स्वामी के चरणों की ओर झुका देते हैं। तब किशोरी जी हाथ लगा देते हैं उनके मुकुट में, हे प्यारे रास विलास को मुझे बड़ो बड़ी सुख है, चलो अब रास मंडल में चले। तो लोगों ने जब ये देखा कि प्रियतमा के अब प्रियतमा और प्रेमी और प्रेमास, वो लोग तो बेचारे जंगली लोग हैं, डौका कहते हैं वहां पुरुष को डौका, अब नारी को डौकी कहते हैं, डौकी। तो वो अपनी भाषा में आपस में कहने लगे, आ दई ये कहा होते ये वृंदावन मां डौकी के पांव पड़त है डौका। ये तो ये कहा होते ये ऐसा हम नहीं देखे, यहां तो डौकी के पांव पड़त है डौका। तो वृंदावन का जो रस देश है ये न तो मर्यादा का देश है, न वेद लक्षित किसी धर्म का देश है, ये तो वो देश है जहां केवल प्रेम है, केवल रस है। यहां रस का दान करने वाली नायिका किशोरी है, वो स्वामिनी है, और प्रियतम याचक के रूप में उस रस को ग्रहण करते हैं, इसलिए वो रस निधि है। और उनके केली कुंज की प्रांगण की भवन की अथवा भवन के प्रांगण की मार्जनी हो जाऊं मैं, ये अभिलाषा यहां मुख्य प्रयोजन है। ऐसा कृपा का कोई देश उतरे, कोई ऐसी कृपा का प्रवाह आ जाए, क्योंकि इसका कोई साधन नहीं है। स्वामिनी की प्रांगण की कुंज देश भवन की परिमार्जनी बनने का सौभाग्य मिल जाए, इसमें क्या है? बोले इसमें दो प्रयोजन सिद्ध होंगे, निकट से स्वामिनी के विगलित अंगों के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, मुखचंद्र का दर्शन मिलेगा, श्री चरण का दर्शन मिलेगा। और केली के काल में
अलंकार भंजित होकर के पृथ्वी पर टूट कर गिरे हैं, प्रणय कूप माला वाली तोरी, वे प्रसादी भी हमको मिलेगी। जो तांबूल के उगार उन्होंने धरती में डाल दिए हैं उसका अधिकार मिल जाएगा। उनके श्रृंगों में जो इत्र परिमल आदि परिव्याप्त हुआ है, लेपित हुआ है, उसकी दिव्य गंध का अधिकार हमको मिल जाएगा। इसमें स्वामिनी और तत्प्रसाद सभी कुछ उपलब्धि है। भवना और सारी साधनाओं का, सारी उपासना का और सारी प्रेम रस भक्ति का यदि कोई तात्पर्य है तो सेवा ही तो है। ये प्रथम सेवा की अभिलाषा भवनांगण मार्जनी की, समय बहुत आगे बढ़ गया, इसलिए यहीं पर विश्राम कर दें वार्ता को, और फिर आगे के लिए भी कुछ शेष रहे कि नहीं रहे, इसलिए हम विश्राम है आज। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल जय राधे, जय राधे राधे।